एयर मार्शल हूँ, कोई मुझे सुन सकता है? मुझे मदद चाहिए। ये वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी है, वहाँ के क्या हालात है? बहुत बुरे, बहुत बड़ा तूफान है, जल्दी से आकर मेरी मदद कीजिए। डरो मत, मैं अभी तुम्हारा सिग्नल जीपीएस से मिलाता हूँ। प्लीज जल्दी आइए। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, हेलो। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में, और हमारी है समुंदर की गहराई में। समुंदर में अनगिनत खतरे हैं, और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। प्रोफेसर फिक्शन, नेटन्स, आओ। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे, पर तुम आ गए। वेलकम। इस बार क्या नया बना रहे हो फिक्शन? मैं एक लाइट बल्ब चेंज कर रहा था, पर एक नया बल्ब लाना भूल गया। क्या हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट रेडी हुआ? कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? मैंने बताया हुआ पहला वाला। वाह! आप ये क्रोबार हमेशा अपने साथ रखते हो? एक अच्छे साइंटिस्ट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। रुको, मेरा प्रेजेंटेशन बाकी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें फिर से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना, मेरे पास बहुत है। ये स्मोक मशीन भी आपने बनाई है? बिल्कुल। जिंदगी में एक बार एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गहरे समुद्र के एक्सप्लोरेशन में हमेशा बदलाव लाती है। बिल्कुल सही कहा। सब मनी स्कूबा सूट, द ओल्ड टाइम डाइविंग कॉस्ट्यूम विद द फिश बोन हेड। लाजवाब। अब बस भी करो। ये खत्म होने ही वाला है। और अब शैडो नाइट, इसे खोलो। एड का स्पेशल प्रोजेक्ट। ये तो कमाल का है। मैंने इसका नाम रखा है शैडो नाइट। ये व्हाइट नाइट जैसा ही है, पर इसकी स्लीक डिजाइन की वजह से ये और बेहतर है। और इसका ग्रे मेटालिक कलरिंग इसे पानी में इनविजिबल बना देता है। अच्छी कोशिश थी एंड, उम्मीद है इसे चलाना जल्दी सीखोगे। इसका कमाल आपने अब तक देखा ही नहीं है, अभी दिखाता हूँ। आपने कहा था आपने एक और प्रोजेक्ट बनाया था प्रोफेसर। हाँ, एरोनेक्स की तरफ चलो। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसे चलाना सीख ही जाऊंगा। इसमें बस थोड़ा सा काम बाकी है। एक हार्ड ड्राइव। हम तैयार हैं। हेलो एमी। हेलो प्रोफेसर। नेक्टन्स, ये है एमी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो विलियम और कीको नेक्टन। वाह, अब देखो एमी, आज का स्टेटस रिपोर्ट बताओ। सरफेस टेम्परेचर 14 डिग्री है, हवा की स्पीड 30 नॉट्स है। मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से काम की एक लिस्ट बनाई है। कल प्रोफेसर फिक्शन का बर्थडे है। इसका कोई जवाब नहीं। मुझे पूरी तरह से प्रोग्राम किया गया है। ये वॉइस कमांड पर चलती है। अब देखो एमी, हमें बाहर ले चलो। ये तो दिलचस्प है, लेकिन लेकिन वैसे भी मैं आंट की पकपक से परेशान रहती हूँ। ऊपर से एक और आवाज सुनकर मैं, मुझे तुम्हारी मदद और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मदद, सुरक्षा, नेक्टन्स, ये तीनों मेरे फेवरेट शब्द हैं। वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी से कमांडर पायरोसोम का कॉल है। नेक्टन्स। कमांडर पायरोसोम, एक प्रॉब्लम आई है। दरअसल एक कायाकर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में तूफान से घिरी हुई है। मटिल्डा मार्शल, मैं उसकी फैन हूँ। तेज तूफान की वजह से हमारे प्लेन्स वापस आ रहे हैं, और सबमरीन भी काफी दूर है, पर आप उससे नजदीक हो। हम उसे बचा लेंगे। ओके, तुम लोग मुझे हेडक्वार्टर्स छोड़ देना, और उसके बाद तुम, वक्त नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन मेरा सब सामान तो वहाँ। एमी, मटिल्डा के पास ले चलो। एंट, मुझे बोले दो। एमी, हमें जितनी जल्दी हो सके मटिल्डा के पास ले चलो।
आपका कहना है कि मैं एरोनॉट्स को डेड मैन रीफ के रास्ते ले चलूं, जो खतरनाक होगा। मेरे पास सुरक्षित रास्ता है। खतरों से खेलना हमारा काम है। जानती हूँ, आसान रास्ता सेट करती हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर क्या किसी के पास एक्स्ट्रा टूथब्रश है? मैंने 4 दिन से ब्रश नहीं किया। एमी, मैं जल्दी में हूँ, जरा जेफरी को खाना देना। सिर्फ 22 कैलोरीज। हमने इसे व्हाइट नाइट जैसा ही बनाया है, लेकिन दोनों में वजन का फर्क है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट से ये काम करने लग जाएगा। बिना टेस्टेड चीज खतरनाक हो सकती है, सावधानी से काम लो। सावधानी? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? सावधानी का मतलब होता है सचेत रहना, जिससे कि ज्यादा बोर मत करो एमी। हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, पर अगर तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं नहीं बची तो? नहीं, हम पहुँचेंगे, ये वादा रहा। तुम बस हिम्मत मत हारना। चलो अब रखती हूँ। शैडो नाइट तैयार है, मूनबॉल रूम में। ओह, अपना नाश्ता साथ लाना। मैं यहाँ से देख सकती हूँ। थैंक्स। मैंने सारे कंट्रोल्स ठीक कर लिए, इस बस स्मोक मशीन के बिना ही मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। ओह, पहले थोड़ा म्यूजिक हो जाए। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। वही गलती दोहरा रहे हो। क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने इसे संभाल लिया। एंगेजिंग प्रोपल्शन। तुम्हें किसी वक्त ये सब रोकना होगा। वो ठीक है एमी। एक्ट को लापरवाही की वजह से चोट लग सकती है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। तुम जबरदस्ती कर रही हो एमी। मैं मशीन हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती मैं मदद लूँ किसी मामूली कंप्यूटर से। देखो तुम हम पर थोड़ा सा दबाव डाल रही हो। नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये पानी के बाहर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है। इससे पहले मेरी हड्डी पसली एक हो जाए, मुझे इसे बैलेंस करना सीखना होगा। तुम्हारा डेमोंस्ट्रेशन खत्म हुआ। छोड़ो उसे। मुझे नेक्टिन्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसमें सभी शामिल हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये गिर जाए, आंट को जो करना है करने दो। और इसमें हमें भी मजा आ रहा है। सही कहा, इसकी हाईएस्ट सेंटर ग्रेविटी में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं जायरोस्कोप को ठीक कर दूं तो? और एक बात बता दूं, नेक्टन्स को खुद की सेफ्टी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? वाओ! एमी, तुम हमें दूसरे रास्ते से ले जा रही हो क्या? जवाब दो एमी, क्या तुम हमें दूसरे रास्ते से ले जा रही हो? प्रोफेसर, आखिर बात क्या है? हमें एमी को रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ कर दे। एमी, मटिल्डा को हमारी जरूरत है। आप सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सब बाद में। मटिल्डा को बाद में बचाएंगे। कोई मुझे सुन सकता है? फाउंटेन! फिक्र मत करो मटिल्डा, सब कुछ ठीक है, हम आ रहे हैं। बस जरा इस जिद्दी कंप्यूटर को हम मना ले। आपने अभी जो शब्द कहा वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आया। मटिल्डा तक पहुंचने के लिए रोवर का इस्तेमाल करना होगा। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? विलियम नेक्टन, क्या आप थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेंगे ताकि मैं उसे सुन पाऊं? अब समझे मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं? मून पूल रूम को आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया है। वो दरअसल हम ये देखने जा रहे थे कि दूसरे व्हीकल सुरक्षित है या नहीं, ताकि कोई उसे चुरा ना सके। वाह, तुम्हारी सोच अच्छी है। एरोनॉट्स के उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने से मिशन खतरे में पड़ सकता है। जहाज के अंदर जाने का कोई और रास्ता भी जरूर होगा। हाँ है ना, जहाँ से हम जाते हैं। ये रास्ता हमें ब्रिज के नीचे की ओर ले जाएगा, जहाँ एमी की हार्ड ड्राइव रखी हुई है। मैं पहले जाता हूँ।
मुझे जहाज का चप्पा चप्पा पता है। आओ, ये मैं कहाँ आ गया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम एमी को डिस्ट्रैक्ट करो। क्या? पर मुझे एक्शन में मजा आता है, ना कि इसमें। देखो, एमी दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की बनाई हुई एक अत्याधुनिक हाइपर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। उसे एक सेकंड के लिए भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, मैं समझ गया। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की बनाई हुई मशीन। हाँ, तुम्हारे बनाए हुए इस बेकार कंप्यूटर को बंद करने के बाद खुश हो लेना। मैं आपको किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकती। तुम जैसी मशीन हमें नहीं रोक सकती। हम जा कर ही रहेंगे। सर्व रूम बस इसके ऊपर ही है। आओ, देखा तुमने, इसे जरूर एमी ने ही लगाया होगा। ये पहले से ही यहाँ था। उम्मीद है एंट उसे डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए। एमी, तुम्हें हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है ना? बिल्कुल। तो देखो, मैं बिना कपड़ों के फ्रिज के